क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया से ग्रेविटी गायब हो जाए, यानी जीरो हो जाए, तो क्या होगा? साइंस के हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक मास रहेगी तब तक ग्रेविटी भी रहेगी। साइंस को साइड में रख कर देखते हैं कि क्या होगा अगर ग्रेविटी जीरो हो जाए। आप इसी ग्रेविटी की वजह से चल पाते हो, और इसी के वजह से हर चीज़ नीचे की ओर गिरती है, और इसी फोर्स को कहते हैं ग्रेविटी। अब हमारे अर्थ से ग्रेविटी गायब हो चुकी है। ग्रेविटी के नहीं होने से अब अर्थ की एटमॉस्फेयर पूरी तरह से टूट चुकी है। सारे गैसेस स्पेस में जा चुके। एयर के गायब हो जाने से अब हमें सुनाई देना भी बंद हो गया है। हमारे लिए सबसे एसेंशियल गैस यानी ऑक्सीजन भी इस दुनिया से ख़त्म हो चुका है। इसी के कारण सारे लिविंग बींग्स मर गए। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है, वो भी अलग अलग होके वो भी स्पेस में चले गए, और अब इस दुनिया में पानी भी नहीं है। सारी बिल्डिंग टूटने लगी है, क्योंकि कंक्रीट को ऑक्सीजन ही पकड़ कर रखता है, और वो इस दुनिया से लुप्त हो चुका है। अब इस अर्थ का भी विस्फोट हो गया, क्योंकि ग्रेविटी ही इसको एक जगह गोले में पकड़ कर रखती थी, वही नहीं है तो इसके करोड़ों टुकड़े होके स्पेस में लुप्त हो गए। फिर इस ब्रह्मांड से ही अर्थ का नामो निशान मिट जाएगा। मैं आपको इतनी देर से जो भी बताया, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि मास है तो ग्रेविटी भी रहेगा, और अर्थ के रहते हुए ग्रेविटी कैसे चले जाएगा? इस दुनिया में हम जी पा रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी इस दुनिया में है, वही इस दुनिया को पकड़ कर रखी है। ग्रेविटी की वजह से ही हम इस दुनिया में जिंदा हैं, और इसी की वजह से आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हैं। आगे इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए। हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा।